बोरिंग लग गया क्या? ओ यार मैं एक ही मिला है इंशाल्लाह, इसको चबा देगा अभी हम। अच्छा चबा ले इंशाल्लाह। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से मेरा एक और नई वीडियो में। आज मैं और मेरा दोस्त आया है सियांग नदी में मछली पकड़ने के लिए। तो सबसे पहले हमें केचू ढूंढना है मछली का दाना के लिए, और इसको हुक में फंसाएगा, फिर इसको पानी में फेंक देगा। तो सबसे पहले हम लोग अर्थवर्म जो केचू बोलता है उसको लेने के लिए ये ज़मीन को कूटना पड़ेगा। फिर इसके बाद ये और देख सकते हैं यहाँ में एक तो मिला है, ये देखिए, इसको हुक में फंसाएगा, फिर इसके बाद अंदर में फेंक देगा। दे यू भी कम है मैं तो यू भी कम। केचू ये देखिए, सबसे पहले ये केचू उठा लेगा, फिर उससे डालेगा। हाँ मैं ना लिखा था इसके साथ थोड़ा से मिट्टी मिट्टी डालेगा ना, ये जिंदा रहेगा। तो गाइस अभी सियांग नदी में पहुंच गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे बहुत ही सुंदर है नज़ारा, एकदम देखने लायक है। मैं इसका नज़ारा आप लोग को बाद में दिखा देगा। तो सबसे पहले हमें लाइन को ठीक करना होगा, और इसके बाद उसको नदी में फेंकने के लिए लाइन को ठीक करना होगा। एक्चुअली मुझे इतना कास्ट नहीं आता है, बट मेरा दोस्त ये सब चीज़ में बहुत ही एक्सपीरियंस है। तो ये जो लाइन मिला रहा है आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, यानी इसने भी सफुलुंग दारंग एकदम बहुत ही एक्सपीरियंस है ये सब चीज़ में। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए हुक को, ये जो एक है और यहाँ में भी रखा है हुक। कितना डलेगा एक जगह? कम से कम यहाँ में भी है 1 2 3। कितना डलेगा? हो गया 3 ही डलेगा। 3 काफ़ी है ना? हाँ ओके। तो एक ही लाइन में 3 हुक डलेगा, ताकि उसको एक को नहीं खाने से कम एक में लग जाएगा, दोनों को नहीं खाने से भी एक में लग जाएगा इसलिए। और इसके बाद उसमें केचू फंसाएगा, फिर इसको बाद पानी में इसको फेंक देगा, फिर इसके बाद थोड़ा सा वेट कर लेगा। और तब तक के लिए मैं आप लोग को इसका नज़ारा दिखा देता हूँ। सियांग नदी का नज़ारा एकदम बहुत ही सुंदर है, और अभी विंटर है, और विंटर में इसका कलर बहुत ही सुंदर है। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे एकदम बहुत ही सुंदर है, ये देखो। तो ये केचू को अभी हुक में फंसाएगा। एक हो गया, कितना? 3 जगह है ना? 3 जगह। और इसको फंसाते समय एकदम बढ़िया से फंसाना है। अगर जहाँ तक ऐसे फंसा लिया ये निकल जाएगा तो मछली नहीं कहेगा, फिर मछली नहीं कहेगा तो हम दोनों का लॉस हो जाएगा। तो गाइस अभी अंदर फेंक दिया है, और वेट करके देखेगा मिलता है कि नहीं। आए, आए, मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा श्योर। ओके तो थोड़ा सा 5 मिनट वेट करेगा, फिर तब तक के लिए यहाँ में ऐसे घूमते रहेगा, क्योंकि नज़ारा भी बहुत ही सुंदर है, और यहाँ में आके एकदम मन जो बहुत ही हल्का हो गया है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ में ऐसे घूम लेगा, फिर इसके बाद 5 मिनट वेट करके उसको तान के निकल के देखेगा। तब भी अगर नहीं मिलता है तो फिर से उसको वही दोहराएगा, दोबारा करेगा जैसे कि पहले फेंका है, फिर वैसे ही फेंकेगा केचू को डल के हुक में डल के, फिर इसको दोबारा फेंकेगा, फिर 5 मिनट वेट करेगा, फिर नए होने से भी फिर से वही करेगा, क्योंकि मिल नहीं है आज तक। तो गाइस अभी अंदर फेंक दिया है, और इसके बाद हम दोनों थोड़ा सा 5 मिनट वेट कर लेगा यहाँ में। तब तक के लिए हम दोनों गंडी पुक ढूंढ लेगा, और गंडी पुक को हम लोग यहाँ में हम लोग का लोकल में तारी बोलता है। तो ये जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ से गंडी पुक ढूंढेगा, गंडी पुक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ढूंढ के देखेगा। ये देखिए गाइस, ये देखिए
यहाँ से घूमना पड़ेगा। तो गाइस ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पत्थर तो ऐसे उठाएगा, और हम लोग इसको गंडीपुर को तारी बोलते हैं, तारी। इसको ढूंढ के देखिएगा मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है गंडीपुर और उसको हम लोग तारी बोलते हैं, और हम लोग का यहाँ में बहुत ये चलता है, उसको गंडीपुर को तारी तारी का नाम से दिया जाता है। और इसको यहाँ का गाँव वाला होता है और जितना भी विलेजर्स जितना भी यहाँ का होता है इसको ढूंढते रहते हैं। ये देखिए एकदम बहुत ही ज्यादा होता है। दे लव इट। और भी ढूंढेगा कि नहीं मिलता है, मेरा ख्याल से मिलना चाहिए। और एक चीज़ आप लोग को गाइस में बता देगा, पता नहीं आप लोग भी जानता होगा कि, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग सब जानता होगा, लेकिन ये जो इसका ये इसका पेशाब होता है ना, इसको आग में कभी लगने नहीं देना है, नहीं तो आपका आग पूरा जल जाएगा और पूरा लाल हो जाएगा। इसको हमेशा ये सब अगर ढूंढते ही बोलने से आग को बसा के, हो सकते नहीं आप गूगल पहन सकते हैं, आग को बसा के हमेशा ढूंढना है। मिला है भाई? इतना ही मिलना है, देखो मिला है तो और अच्छा है, तो बहुत ही बढ़िया। ओके, बड़ा बड़ा है। हाँ, तारी भी हर किस्म का होता है ना, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। एक ये छोटा वाला होता है ना, और एक ये बड़ा वाला, बड़ा होके ये थोड़ा ब्राउन है, और काला वाला भी होता है। छोटा वाला नहीं, बड़ा होके काला वाला भी। ओ, ये वाला नहीं नहीं, वो बड़ा होके काला वाला भी होता है ना, ये तो छोटा है ना। हाँ, बहुत मिला है तो ये देखो। इसको बाद में मछली में भी ना दाना डाल के देखेगा, उससे मछली भी पकड़ सकते हैं। हाँ यार, इससे भी मिलेगा, कहेगा कि नहीं कहेगा? नहीं मिलेगा ना, चॉकलेट मछली मिलेगा, चॉकलेट। तो गाइस अभी और भी ढूंढेगा, और इसके बाद हम दोनों का ये केचुआ अगर ख़त्म हो जाने से उससे मछली का दाना भी बना सकते हैं। ये जो मेरा दोस्त बोल रहा है कि मछली भी इसे कहते हैं, तो देखते हैं। एक्चुअली मसीर मारेगा इससे, चॉकलेट मसीर। चॉकलेट? चॉकलेट मसीर मारेगा, चॉकलेट मछीर। एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस करने में बहुत ही अच्छा लगता है, मिलो या ना मिलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्सपीरियंस करके देखना बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ से थोड़ा सा ढूंढ लेगा, फिर इसके बाद 5 मिनट तो ऑलमोस्ट होने वाला है, फिर इसको निकल के देखिए। तो अभी तो इतना ज़्यादा नहीं मिला है, लेकिन और ढूंढने से मिलेगा। मुझे यहाँ में जैसे कि कैसा लोग देख सकते हैं, ये देखिए चौथा वाला दो तो मिला है। भाई तू मिला है? मिला ना, थक गया आगे से। बोरिंग लग गया। बोरिंग लग गया क्या? ओ यहाँ में एक ही मिला है। इंशाल्लाह इसको चबा देगा अभी हम। अच्छा चबा ले इंशाल्लाह। जाल नहीं है? नहीं जाल नहीं, इसका जाल तो तेज थे। अच्छा तो गाइस अभी निकल के देखेगा मिलता है कि नहीं मिलता है, देखेगा। कमन ओ भाई नहीं मिला है, डोरगा ना डर डो डो गलत तक। अभी नहीं मिलने से तो भाई हो गया खत्म। तो गाइस ये 3 टाइम है, और शाम भी होने को है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वो पहाड़ को, ये इसमें सनलाइट जो ये बीच में है, अगर ये माउंटेन को कटा उस पार जाएगा तो पूरा शाम हो जाएगा, इसलिए अभी हम दोनों यहाँ से निकलेगा। हाँ मैम तुम्हें तो मंगाई अन्य को तो तुम्हें बाबा है ना रुके माने यार। तो गाइस एक भी नहीं मिला है, इसलिए हम दोनों मायूस होकर अभी जा रहा है,
और जाते जाते मैं आप लोग को नज़ारा दिखा देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे बहुत ही सुंदर है, एंड वो जो देखिए माउंटेन का बीसों बीस में सनलाइट जो ऐसा पूरा स्केल से किसे ऐसे टाइप में बैठा हुआ है। और ये जो माउंटेन को पार होने के बाद पूरा शाम हो जाता है, यहाँ में तो बिल्कुल भी सनलाइट नहीं है, पूरा शाम हो गया है। और हम दोनों को ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ से चल के वो माउंटेन से पार होने ऊपर तक जाना है। तो कोई बात नहीं, आज नहीं मिलने से भी कभी नहीं मिलेगा। एवरी डे इज नॉट संडे, फिशिंग भी वही है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। तो गाइस इसी के साथ आज का मेरा ये ब्लॉग ख़त्म है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू गाइस आर ऑसम। जय।